सपोज आपके पास ये एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब में वो कहता है कि मरकरी है, नीचे मरकरी है, और मैंने मरकरी के लेफ्ट साइड पे स्पिरिट डाल दी, स्पिरिट बहुत हल्की होती है, मैंने स्पिरिट डाल दी 12.5 सेंटीमीटर तक स्पिरिट है, और मैंने राइट साइड पे पानी डाल दिया 10 सेंटीमीटर पानी। अब तीनों लिक्विड की डेंसिटी अलग है, अगर एक लिक्विड होता सिर्फ मरकरी मरकरी तो एच लेवल पे ही होता, पर इधर से भारी लिक्विड है इधर से हल्का लिक्विड है तो ऊपर नीचे हो सकते हैं। और क्वेश्चन में गिवन है कि मरकरी आपने इतना स्पिरिट और इतनी वाटर की वैल्यू डाली कि मरकरी का लेवल चेंज ना हुआ, वो पहले भी एच है अब भी एच है, वो हिला ही नहीं, क्लियर है। आपको इसमें क्या निकालना है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी पता है, मरकरी इन लेवल पता है, रिलेटिव डेंसिटी किसकी निकालनी है, स्पिरिट की। कभी भी ये ट्यूब वाला क्वेश्चन आ जाए इसका बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, ये हिलने वाला है नहीं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मूविंग पे तो आता ही नहीं है, तो ये तब हॉरिजॉन्टल, ये मींस हिलेगा नहीं जब इस पॉइंट का प्रेशर एंड इधर से इस पॉइंट का प्रेशर सेम होगा। एक चीज याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज तब मूव करता है वायर में जब पोटेंशियल का डिफरेंस है, ओम लॉ ने यही कहा था। तो पाइप की कहानी सुन लो, पानी तब मूव करेगा जब प्रेशर का डिफरेंस है। हमारे घरों में भी यही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे जब घर में सुबह ताज़ा पानी आता है तो कैसे आता है, ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल वाले सुबह मोटर चलाते हैं, बहुत तेज़ मोटर है, और वो घरों के आगे जो ज़मीन के अंदर पाइप जा रही है उसमें पानी को बहुत तेज़ फेंकते हैं, मतलब यहाँ का प्रेशर बहुत हाई कर देते हैं, और यहाँ तो कोई मशीन है ही नहीं एंड तक, तो यहाँ का प्रेशर क्या है, लो है, तो पानी भागेगा फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, बहुत तेज़ भागता है। कभी कभी पाइप में होल भी हो जाता है, टूट जाती है पाइप और फुहारा निकलता है पूरा। तो हमारे घरों में क्या है, हमने अपने घरों में इनके साथ कनेक्शन ले रखे अपने घरों का, तो इतना तेज़ प्रेशर है यहाँ से भागता हुआ जा रहा है कि वो पानी यहाँ पे ऊपर चढ़ना स्टार्ट होता है, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकेंड फ्लोर पे, और अगर पानी का प्रेशर पीछे से कम है तो थर्ड फ्लोर पे चढ़ता ही नहीं, और अगर पीछे ज़्यादा कर देंगे तो ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है प्रेशर डिफरेंस का। तब देखो ना, वो कह रहा है पानी यहाँ पर तो रेस्ट पे है, यानी कि यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर एग्जैक्टली सेम है, तो बोलो यहाँ का प्रेशर क्या है, पी एटमोसफेयर, ऊपर पी एटमोसफेयर प्लस एच रो जी फॉर स्पिरिट प्लस एच रो जी फॉर मरकरी, और यहाँ पे क्या है, पी एटमोसफेयर प्लस एच रो जी फॉर मरकरी एंड एच रो जी फॉर वाटर। अब पी एटमोसफेयर लेने का फ़ायदा क्या है, लेफ्ट और राइट पे कैंसिल ही होने वाला है, तो मैंने सिर्फ क्या ले लिया, 12.5 इंटू डेंसिटी ऑफ स्पिरिट इंटू जी प्लस एच रो एच इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी, और यहाँ पर क्या ले लिया, एच इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी, और यहाँ पर क्या ले लिया, 10 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। इक्वेशन बनानी आ गई, मतलब एच रो जी प्लस एच रो जी, एच रो जी प्लस एच रो जी को इक्वेट कर दिया, लेफ्ट और राइट के प्रेशर को इक्वेट कर दिया, तो मरकरी वाली टर्म तो कैंसल ही हो गई, जी से जी कैंसिल करके ये टर्म आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेंसिटी ऑफ स्पिरिट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर क्रॉस मल्टीप्लाई करके 10/12.5, यही तो है रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये रिलेटिव डेंसिटी 0.8 आ गई। मतलब तुमने इस क्वेश्चन में कुछ ना करना, जब ये यू शेप ट्यूब आएगी ना तो लेफ्ट का और राइट का लिक्विड का प्रेशर इक्वेट कर देना, जो चाहिए अपने आप आ जाएगा, जो मिसिंग वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि क्या लगाना है इसमें, कोई डाउट इसमें। अब इसके अंदर डेंसिटी ऑफ स्पिरिट क्या होगी, रिलेटिव डेंसिटी, वो डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेंसिटी ऑफ स्पिरिट भी आ जाएगी, ये पार्ट भी क्लियर है। और लास्ट है, अगर मैंने ये 10 नहीं है, ये 5 है, 5 अगर मैंने 15 सेंटीमीटर ऑफ स्पिरिट एंड 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर को और डाल दिया लेफ्ट और राइट में, पहले स्पिरिट कितनी हाइट पर है, 12.5, वो कह रहे हैं मैंने 15 सेंटीमीटर और स्पिरिट डाल दी तो कितना हो गया, 27.5, पहले वाटर कितनी हाइट पर है, 10, मैंने 5 सेंटीमीटर पानी और डाल दिया तो कितना हो गया, 15, वो कहते हैं मरकरी का लेवल हिल गया, लेवल हिल गया, अब बराबर नहीं है मरकरी का लेवल। ये देखो इधर, इधर मरकरी H1 लेवल पे आ गई,
इधर एच टू पे आ गई, समझ में आ रहा है यहाँ तक? कह रहे डिफरेंस बताओ ये लेवल में कितना डिफरेंस है। अब मुझे तो एक ही चीज़ आती है, एच रो जी फॉर मरकरी प्लस एच रो जी फॉर स्पिरिट इज इक्वल टू एच रो जी फॉर मरकरी एच रो जी फॉर वाटर। ये देखो, ये मैंने 27.5 इंटू डेंसिटी ऑफ स्पिरिट इंटू जी, एच वन इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी, एच टू इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी और 15 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। तो यहाँ से जी 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 कैंसल, आपको स्पिरिट की डेंसिटी ए पार्ट से पता है, डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 पता है, डेंसिटी ऑफ मरकरी पता है और वाटर पता है। सॉल्व करके अपने आप ही क्या आ जाएगा, एच टू माइनस एच वन आपका आंसर आ जाएगा। तो ये YouTube वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर रहे हैं समझ में आ रहा है? YouTube वाला, Google का YouTube नहीं है, ये वाली ट्यूब वाली YouTube है जिसमें पानी मूव करता है, ठीक है।